क्या बात है, आज काम पे नहीं जाना है क्या? मेरा जी तो करता है कि हर वक्त तुम्हारे पास ही बैठा रहा, ना कोई काम हो ना किसी और चीज़ की कोई टेंशन, बस तुम और मैं यूं ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल। छोड़ो मुझे, मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। आप कुछ मत कहो, आज पूरा दिन मेरे साथ, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अरे देखो, हम दोनों के बीच कोई आ गया, मैं जाके देखती हूँ कौन है। सुनील, तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना। और ये बैग, ये सब क्या है? क्या हुआ, कुछ बताओगे? अभी अंदर आ जाओ या पूरे मोहल्ले को सुनाना है। सुनील, पर ये सब क्या है, कुछ बोलोगे भी? माँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है। क्या, पर क्यों? हाँ, हॉस्टल ही नहीं, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हो सुनील? तुम अभी हॉस्टल कैसे छोड़ सकते हो, कॉलेज कैसे छोड़ सकते हो? मैंने अभी अभी तुम्हारी फीस भरी है पूरी। अशोक, अशोक देखो ना। माँ, मुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है बस। सुनील, शायद अभी वो बहुत गुस्से में, ओके, थोड़ी देर बाद आराम से उससे बात कर लेना। अच्छा, मैं निकलता हूँ, बैंक में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, मैं बैंक जाकर आता हूँ। सुनील, सुनील मोबाइल साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही ना कि मैंने कॉलेज और हॉस्टल क्यों छोड़ा, मेरा वहाँ मन नहीं लगता था, मुझे कुछ और करना है। और क्या करना है? वो अभी सोचा नहीं है, बहुत जल्दी सोच लूंगा मैं। सुनील, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें पता भी है? मम्मी, मैं अभी बच्चा नहीं रहा, मुझे भी समझ आता है मुझे जिंदगी में क्या करना है, और उसके लिए ना मुझे आपके सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। सुनील, तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो अभी कि खुद के डिसीजन खुद ले लो। मम्मी प्लीज यार, लेक्चर मत शुरू करो यार। सुनील, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। सुनील, ये नाश्ता तो कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं सुनील का? सुनील के फ्यूचर के बारे में जब भी सोचती हूँ ना, डर लगने लगता है। हर 6 महीने में अपने प्लान चेंज करता रहता है, अभी कॉलेज भी छोड़ के आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे अकेले कब तक संभालती रहूंगी, क्या करूं? मेरी मानो, उसकी जिंदगी में उसे एक अच्छे दोस्त और गार्डियन की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब है कि उसकी जिंदगी में एक फादर फिगर होना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके पिता US में रहते और वो वापस यहाँ नहीं आने वाले, और ना ही उसे यहाँ से लेके जाएंगे। जब हम लोगों का डिवोर्स हुआ था तो यही तय हुआ था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ आशा, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। देखो आशा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो फिर शादी करने में हर्ज ही क्या है? शादी करने के बाद हम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और सुनील को भी पिता का सहारा मिलेगा। पर अशोक, सुनील हमारे रिलेशन को समझ पाएगा? क्यों नहीं समझेगा? अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूं, और वैसे भी कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें एक होना ही है ना, तो क्यों ना अभी हो जाए? नहीं नहीं, अभी अभी सुनील को कुछ भी बताना बेहतर नहीं होगा, यानी वो क्या रिएक्ट करेगा? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोलो सुनील, क्या बात करनी थी? मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। फिजूल खर्ची के लिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। फिजूल खर्ची? दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना फिजूल खर्ची है? मेरी नजरों में फिजूल खर्ची है। मम्मी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए ऐसा बिहेव करती हो मेरे साथ। तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मम्मी अगर पापा यहाँ होते ना तो इतने सवाल नहीं पूछते। सुनील एक काम करो, जाके ना अपने पापा से ही पैसे ले लो। बस यही सुना तो बाकी रह गया था। मुझे इस घर में ना पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी माँ मिली है मुझे। ऐसा नहीं कहते सुनील, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बस अंदाज थोड़ा गलत है। लो अब ये बाहर वाले भी आकर इज्जत उतारने लगे हैं। वाह सुनील, अशोक जी कोई बाहर वाले नहीं है और वो तुम्हारे भले के लिए ही कुछ बोल रहे हैं ना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? अच्छा तो आप ही मुझे बता दीजिए ना कि मेरी भलाई किसमें है। हाँ मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ना कुली वुली की जॉब कर लूँ, मजदूरी कर लूँ। क्यों भाई, तुम जैसा होनहार लड़का मजदूरी क्यों करेगा? हाँ अरे आशा, तुमने सुनील को बताया नहीं हमारे बिजनेस के बारे में? मैं आज सुबह जो बैंक गया था ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, हमें बैंक में डिपॉजिट देना है, उसके बारे में तुमने बताया नहीं सुनील को? अरे हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं और जितना जल्दी हम डिपॉजिट देंगे उतने ही जल्दी हम लोग अपने ब्रांड का प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सब किसके लिए? सुनील के लिए तो कर रहे हैं। हाँ अशोक, वो जो भी पैसे अरेंज करना है वो मैं कल तक कर दूंगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी वो भी हम कल पूरा कर देंगे, ठीक है? वाह बहुत बढ़िया, वाह। मतलब अपने बेटे के लिए फूटी कौड़ी नहीं निकलती लेकिन गैरों पे लुटाने के लिए हजार लाखों झट से निकल रहे हैं। नहीं सुनील, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम अपना मुंह खोला करो, समझे? तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जिसके बारे में नहीं पता हो ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और सुनील, हम दोनों जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, आगे चल के तुम्हें ही ये बिजनेस संभालना है बेटा, तुम क्यों नहीं समझते? मम्मी मुझे पता है क्या लगता है कि पूरी जिंदगी ना पापा की दौलत मुझे ये गैरों पे लुटते हुए देखनी पड़ेगी। आशा ये क्या कर रही हो तुम? भला अपने बेटे पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है? नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा किया मम्मी, ये गैरों के सामने मुझे अपनी औकात दिखाई आपने, लेकिन अगली बार कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं अपने आप को कुछ करूंगा और आप बहुत पछताओगे। सुनील सुनील मेरी बात सुनो, ये क्या था आशा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुनील से ज्यादा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। हाँ वीरू, हाँ मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ यार। अरे पता है पार्टी में लड़कियाँ भी आ रही हैं। हाँ मुझे पता है लड़कियाँ आ रही हैं, पार्टी तो करनी है यार। रुक ना मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, बाय। जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है।
माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मैं रात तक वापस आता हूँ पक्का। अरे सुनील, पर ब्रेकफास्ट तो करके जाओ ना। सुनील, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आने दो आज इस लड़के को, इसके ना आज अच्छे से खबर लूंगी मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आशा। अरे पर फोन तो बंद नहीं करना चाहिए था ना उसे। किसके साथ है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ बता के नहीं गया। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो आशा। सुनील अब बच्चा नहीं रहा, अरे होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। अरे पर एक बार बता के तो जा सकता था ना आशो। पता है और तुम्हें, सुबह से मेरे सोने की बालियां भी नहीं मिल रही, कहीं सुनील ने तो। क्या आशा, तुम भी। ये लो, आ गया सुनील। सुनील कहाँ थे तुम? मम्मी वो ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुनील ने शराब पिए? शुक्रिया सर, शराब पी के आया? इतनी रात को तुम बिगड़ गए हो सुनील। तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो। इसके कदम देख रहा हूँ, पूरे लड़खड़ा रहे। और हाँ सुनील, एक बात बताओ, तुमने वो मेरी सोने की कान की बालियां चुराई ना? चोर? मैं चोर? अरे अपनी औलाद पे भरोसा नहीं रहा आपको? हाँ, जब अपनी ही औलाद रात में शराब पी के आए ना माँ के सामने, तो कोई कैसे भरोसा करेगा? सच सच बताओ, तुमने चुराई ना वो सोने की बालियां? एक मिनट, मैं ना एक काम करता हूँ, सुनो, मैं हाथ काट देता हूँ और सारा खून जब बाहर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने चोरी नहीं किया है ना। सुनील ये छोड़ो, काटो सुनील, काट काट देता हूँ, छोड़ो काट दो, चाकू छोड़ो। अरे छोड़ो यार, चाकू छोड़ो। ना दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, ना घूम सकता हूँ, ना फिर सकता हूँ। सुनील जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, जाओ। अशोक देख रहे हो क्या हालत बना ली है इसने अपनी, कब सुधरेगा ये? सब ठीक हो जाएगा आशा, सब्र रखो। सुनील देखो, मैंने तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है, पूरी भाजी, तुम्हें बहुत पसंद है ना। चलो उठ जाओ, उठो नाश्ता कर लो और ये चाय भी पी लो, गर्मा गर्म एकदम। नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चाय पियोगे ना तो सर दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे पापा के ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, प्रॉपर्टीज और तुम्हारी FD के। उन्होंने तुम्हारे नाम पे कुछ पैसा बैंक में रखा था, तो तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए KYC के लिए। वो क्या है ना, तुम जब तक 18 साल के नहीं हो जाते ना, तब तक वो सब मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। मतलब 18 साल पूरा होने तक मुझे आपसे भीखी मांगनी पड़ेगी? कैसी बातें कर रहे हो सुनील बेटा, और मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, और ये सारा पैसा तुम्हारा ही तो है, तुम्ही को संभालना है। मैं तुम्हें बस इसलिए डांटती रहती हूँ तुम कहीं कोई गलत रास्ते पे ना चले जाओ, माँ हूं ना तुम्हारी। अच्छा एक बात पूछू सुनील, तुमने मेरी वो कान की बालियां, अच्छा छोड़ो, तुम ना ब्रेकफास्ट कर लो गर्मा गर्म एकदम, और फिर फ्रेश हो जाना जल्दी से, मैं बैंक का काम खत्म करके आता हूँ। ओके आशा, पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं सुनील से सिग्नेचर करवा के बैंक से पैसे निकाल लूंगी अशोक। देखो आशा, मुझे लगता है कि हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डील हमारे हाथों से निकल गई ना तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ अशोक, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, अभी घर चलो। अशोक ये घर में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? चलो सुनील, तुम पागल हो गए हो क्या? देखो मम्मी, जो मेरे काम नहीं आएंगे ना वो किसी और के काम भी नहीं आएंगे,
और वैसे भी मेरे 18 साल पूरे होने में वक्त है ना अभी। अरे अब क्या फायदा, कागजात तो जल गए। बदतमीज, मन तो करे ना आशा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स जला दिए इसने। नहीं नहीं, मारो ना, मार ही डालो, एक ही बार में खत्म कर दो सब। सुनील, बदतमीजी मत करो, माँ है वो तुम्हारी। अरे आप तो चुप ही रहिए, आप किराएदार हैं, टाइम पे किराया दीजिए और चलते बनिए। सुनील, बहुत ही बदतमीज हो गए हो तुम। नहीं आशा, ठीक है तो कह रहा हूँ, मैं तो बाहर वाला हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो, निकलिए ना। अशोक, अशोक सॉरी, सुनील की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अशोक मैं क्या करूँ, सुनील दिन पे दिन हाथ से निकलता ही जा रहा है, कुछ समझने को ही तैयार नहीं होता है। बोलो ना अशोक, कुछ तो बोलो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे एक बार उससे बात करने दो, मैं उससे बात करके उसे समझा दूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेगा। आज जो भी उसने किया है ना, उससे तो मुझे इतना डर लगने लगा है कि हमारे रिश्ते के बारे में जान के वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। हमें और क्या करना चाहिए आशा, हाँ? अब तो मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया है। मैं तो उनसे कह भी दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक तुम हो कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही। अशोक अशोक, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मेरे पास सुनील को संभालने के अलावा अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये सुनील पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, पहले तो सिर्फ ये मेरे प्यार के आड़े आ रहा था, लेकिन अब तो इसकी वजह से पैसा और जायदाद भी मेरे हाथों से जाएगी। मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। अशोक फोन उठाओ ना, कहाँ चले गए, अब तक नाराज हूँ। The subscriber is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज आंसर मी, कहाँ हो तुम, प्लीज कॉल बैक। अरे मम्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे अशोक, अरे नमस्ते आशा जी, ये रेखा है मेरी पत्नी, और रेखा ये आशा जी हैं हमारी मकान मालकिन, और ये हैं इनके सुपुत्र सुनील। अशोक जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, शादी कर ली बताया भी नहीं। हमें बताया होता हम भी बाराती बनकर नाच लेते। खैर जाने दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाभी जी बहुत खूबसूरत है। चलो रेखा, तुम्हें अपना किराए का घर दिखाता हूँ, आओ। क्या कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ।
क्यों आए? मुझे बिना बताए शादी तो कर ली, हम उससे क्या उम्मीद रखते हो? आशा, वो जो कुछ भी हुआ एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि क्या जल्दी में हुआ? और क्या करता मैं आशा, तुम्हारी मिन्नतें कर करके मैं थक चुका था। शादी तुम्हें मुझसे करनी नहीं थी और मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हो, क्या करता मैं? जबरदस्ती शादी करवा दी मैंने, लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुम्हें से प्यार करता हूँ और यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे यकीन करो तुम्हारी बातों का, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ना उसके साथ जाकर खुश रहो, दरवाजा उधर है। आशा मेरी बात सुनो। आशा जाओ प्लीज। आशा मेरी बात तो सुनो। कहते हैं ससुराल में नई नवेली दुल्हन से कुछ मीठा बनवाने का रिवाज होता है, तो अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, जरा चख के बताएंगे कैसे बने हैं? अरे वाह, लड्डू तुमने बनाए हैं? जी। तो फिर इनकी साइज इतनी अलग अलग क्यों है? कहते हैं कि किसी चीज को अगर प्यार से बनाया जाए तो वो एक बराबर बनते हैं, लेकिन ये क्या है? नहीं जी, एक जैसे हैं। अच्छा, एक जैसे हैं, ठीक है, चेक करते हैं। ये 10 ग्राम और ये 12 ग्राम और ये 15 ग्राम, ये क्या है? तुम तो कह रहे हो कि सब एक बराबर है। हाँ, जहर मिलाते वक्त बड़े छोटे बन गए ना। घर वालों ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग देकर ससुराल भेजा है क्या तुम्हें? नहीं जी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तुम ये लड्डू खाओ। लो 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 लो, खाओ, एक ही साइज के ना, तो एक साथ 3-4 लड्डू तो खा ही लोगे। खाओ खाओ खाओ, ये लो और खाओ खाओ खाओ। अब अगर शाम तक तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ी ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि इनमें जहर नहीं था। ओके, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, समझी? नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही टहलने निकला था, आपको देखा, आप उदास सी खड़ी थी तो हालचाल पूछने चला आया। अब वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक हैं, और आपको पता है सुंदर लड़कियों में ना एक कमी होती है, वो झूठ नहीं बोल पाती। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। यही बात स्माइल करके भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, ये हुई ना बात, कितनी लाजवाब स्माइल है आपकी भाभी जी, काश हम भी ऐसे ही स्माइल कर पाते। खैर छोड़ो। अच्छा भाभी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपको ना मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, सच में आप धूम मचा दोगी। अरे नहीं, और आपको पता है मैं खुद फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक मॉडल बन के 4-5 फोटो क्लिक कर लूँ आपकी। नहीं नहीं। अरे भाभी जी मना मत कीजिए, मुझे कहाँ एग्जीबिशन में देना है, देखिए मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 3-4 बेहतरीन फोटोज मिल जाएंगी। कितनी अच्छी स्माइल है भाभी जी, 2-4 फोटोज प्लीज भाभी जी, मना मत कीजिए, 1-2 फोटोज देखिए देखिए देखिए, स्माइल कीजिए भाभी जी। ये बात, हाँ इधर देखिए, बहुत बढ़िया, हाथ इस तरफ कीजिए, हाँ एक पल्लू पल्लू सर ऊपर ऊपर से, हाँ गर्दन गर्दन नीचे कीजिए थोड़ी देर, ये बात इधर इधर देखिए ना, ये बात बहुत बढ़िया भाभी जी, बहुत बढ़िया, ये ना हो गई मॉडलिंग।
चलो अंदर जाओ, जाकर घर का काम करो। अशोक जी, बड़ी बुलंद तकदीर लिखवा कर लाए हो, कितनी खूबसूरत बीवी मिली है आपको, वाह। बेहतर होगा तुम रेखा से दूर रहो, समझे? और आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी मेरे घर से दूर रहो, समझे? रेखा, एक कटोरी नमक लेके आना। जी लाई। खाने में नमक डाला है या नमक में खाना? इसका स्वाद कैसा है अभी बताता हूं तुम्हें। अब पता चला कैसा है इसका स्वाद, अब ये पूरा तुम खाओगी, समझी? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा, गलती हो गई, इसकी सजा तो मिलेगी। बिना सजा के गलती को सुधारा तो जा नहीं सकता। आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारी सजा ये है कि आज पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी, समझी? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, इतनी छोटी सी गलती के लिए। चलो लोग क्या चलो। लोग क्या दीदी, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? खाने में नमक ज्यादा हो गया था तो उन्होंने मुझे सजा दी है। दीदी आप उनसे बात करो, मुझे अंदर जाना है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। अशोक, अशोक दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अशोक ये क्या है, तुमने आधी रात को रेखा को घर से बाहर निकाला? तो बाहर मेरी बुराई और शिकायत चल रही थी। रेखा तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करी, वो बस अपनी तकलीफ बता रही। डरी हुई? अशोक क्या है ये? मेरा मन तो करता है कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूं, पर ये मैं मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों के मतलब? मैं रेखा को इतना परेशान कर दूंगा कि वो अपने आप मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, और तुम भी सुनील के साथ ऐसा ही कुछ करो कि हम दोनों एक हो जाएं। जब तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो। अशोक पागल हो गए हो? तुम्हारा ये पागलपन ना हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर देगा। और अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो शादी क्यों की? अशोक अब तुम्हारी शादी हो चुकी, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, ये समझ जाओ। हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करो और रेखा के साथ लाइफ आगे बढ़ाओ, समझे? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि हम दोनों अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें, समझे? लगता है अब मुझे कोई बहुत बड़ा कांड करना पड़े जिससे सुनील और रेखा हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rekha, happy birthday to you, birthday to you. Thank you. वाकई अशोक एक तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, रेखा की पसंद का था। अरे और लो ना, अरे सुनील को भी दो ना। हाँ।
अच्छा मैं समोसे लेकर आती हूँ, ठीक है? रेखा मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी देखने? हाँ क्यों नहीं, चलिए ना। अरे आप सब लोग भी केक लीजिए ना प्लीज। और सुनील, क्या हो सुनील, ऐसे रूखे सूखे से क्यों खड़े हो? अरे खाओ पियो एंजॉय करो। हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा, आज तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ, ओके? ओके। ये लो। ये चीयर्स। पियो पियो। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। वाकई अशोक रेखा ना बहुत अच्छी कुक है। मैं ना एक मिनट वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। अशोक रेखा सचमुच काफी दिनों बाद पार्टी करने का मौका मिला है। अरे तो करो ना पार्टी, रोका किसने है? मैं काम करता हूँ, मैं म्यूजिक और लाउड कर देता हूँ। ओके सुनील, देखा तुमने आशा, इसकी काली करतूतों के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था। जिसे ये भाभी भाभी कहता है ना, उसके बारे में इसकी सोच कितनी घटिया है, आज अपनी आंखों से देख लो अपने इस बेटे की हरकत। सुनील 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 उठो बेटा। अरे कोई नशा करके आया होगा, कहां से उठेगा? मैं तो कहता हूं इसे किसी रिहैब सेंटर या किसी पागलखाने में डाल दो। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि अपने कपड़े कहां रखने हैं? चलो उठाओ। सुनील बेटा उठो, उठो बेटा। आशा शर्मा का घर है ये? हाँ मैं हूँ। सुनील कौन है? सर सुनील मेरा बेटा है, पर क्यों? सर बात क्या है मुझे बताइए तो। रूम कौन सा उसका? सर रूम तो सुनील का वो है, पर क्या बात है आप प्लीज मुझे बताइए, सुनील ने किया क्या है? सर आप ऐसे कैसे, उसने किया क्या है प्लीज मुझे बताइए, क्या किया है? आपके बेटे ने जो किया है आप सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। इसने कुछ लड़कियों को गंदे अश्लील मैसेज भेजे हैं, वाहियात बातें भी की हैं। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने साइबर जांच करवाई है, जिस फोन से उन लड़कियों को मैसेज हुए हैं वो फोन भी यही है, नंबर भी तुम्हारा है, कॉल लो इसका।
ये सब चलो चलो लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है सर? थाने चल, तेरी गलतियां बताता हूँ। देखिए चलो इसे। मम्मी बेटा सर, सुनिए कुछ नहीं किया, ऐसे मत ले जाइए सर। मम्मी सुनिए ना, अशोक 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 देखो ना, वो सुनील को कहाँ ले जा रहे, जाके उसे छुड़वाओ ना अशोक। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये लड़का एक दिन कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। लो कर दिया ना अशोक। सुनील सुनील, एक का काम तो हो गया, अब दूसरे को देखता हूं। रेखा रेखा जी, आपने बुलाया? बहरी हो गई हो क्या? आवाज दे देकर गला सूख गया मेरा। मैं पानी लेके आती हूं। पानी नहीं चाहिए, जाकर अपने जेवर लेकर आओ। जी लेकिन वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, माँ की आखिरी निशानी की चिंता है तुम्हें, लेकिन जीते जाते पति की कोई फिक्र नहीं। अब बिजनेस नहीं करूंगा तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? चलो ठीक है, एक काम करो, अपने मायके जाओ और अपने बाबूजी से पैसे लेकर आओ, पूरे 10 लाख रुपए। जी उनकी तो हालत बहुत खराब है। मुझसे बहस मत करो, या तो मायके जाकर अपने बाबूजी से पैसे लेकर आओ या मुझे अपने जेवर दो, वरना तुम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर अपने बाबूजी के पास जाकर रह सकती हो। क्या करना है ये तुम्हें सोचना है, समझी? ये लो पानी पियो, तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मी आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया, मैं तो उन लड़कियों को जानता तक नहीं हूँ, मुझे मेरी बात का यकीन करो। सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है और तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूं, कम से कम अब तो सच बोल दो। मम्मी मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं उस दिन अशोक जी के घर पे था, वॉशरूम गया था और जब बाहर आया तो मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया, उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। मम्मी सच कह रहा हूँ मम्मी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत शरारतें की है, आपको बहुत तकलीफ दी है मम्मी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सुनील आज तक तुमने एक भी ऐसा काम नहीं करा जिससे मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर सकूं, कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पे? नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको दुख पहुँचे, मैं वादा करता हूँ। I'm really sorry. अरे सुनील तुम, हाँ वो अशोक जी आपका फोन स्विच ऑफ है, मम्मी का फोन आया था कि भाभी जी और मम्मी को मार्केट से आने में लेट हो जाएगा। ओके अरे आओ तुम बैठो ना। नहीं मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई और तुम हाँ वो कॉलेज में दोबारा एडमिशन लिया, अब मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूँगा। क्यों, तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह US और UK नहीं जाना क्या? नहीं मैं मम्मी के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। वेरी गुड, चलो आप इसी बात पर एक एक जाम हो जाए, आओ बैठो ना। थैंक यू लेकिन मैं चलता हूँ। अरे सुनील मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, आओ प्लीज बैठो ना। सच में? अरे हाँ सुनील तुम बैठो तो सही। पता नहीं सुनील मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें वो सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं जो कहने वाला हूं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किस बारे में? मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मम्मी के बारे में। पिछले 5 साल से मैं और आशा रिलेशनशिप में हैं और हमने तो शादी करने का फैसला भी कर लिया था,
लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपना फैसला बदल दिया, वरना आज मैं और राशा एक दूसरे के साथ। एक और लफ्ज मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो मैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी माँ भी मेरे प्यार में पागल है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है, ना जाने कितनी रातें तुम्हारी माँ और मैंने साथ में गुजारी हैं। अपनी जबान को लगाम दो अशोक, आज सब सच सुन ही लो। अरे मैंने लाख कोशिशें की तुम्हारी माँ को मनाने की, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। तुम्हें भी तो अपने रास्ते से हटाने के बारे में कितनी बार सोचा मैंने। तुम्हें क्या लगा कि उस दिन तुम रेखा के बेडरूम में ऐसे ही पहुंच गए? अरे मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई और मैंने तुम्हारे मुंह पे रेखा का ब्लाउज डाला था। और उसके बाद मैंने ही तुम्हारे मोबाइल से लड़कियों को गंदी चैट और मैसेजेस भेजे। ताकि तुम बुरी तरह से फंस जाओ और मेरा रास्ता साफ हो जाए। कमीने, तूने इतनी गंदी हरकत की, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अबे तू क्या मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा? हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी सारे की एक कढ़ाई पर पानी फेर दिया। मैडम, इसके किए की सजा तो कानून इसे देगा, अरेस्ट करो इसे। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा,